फ्रेंड, आज हम शेयर करेंगे पनीर पराठा बनाने की रेसिपी। पनीर पराठा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 कटोरी आटा, 100 ग्राम पनीर, 1 चम्मच तेल, पाकी तेल पराठा तलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1/2 चम्मच अदरक बारीक कसा हुआ, 1 चम्मच धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्चा पिसा हुआ 3/4 चम्मच, चाट मसाला स्वाद अनुसार। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे आटे में, 1 चम्मच तेल डालेंगे, आटा नमक तेल को मिक्स करेंगे, पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मिलाएंगे, हमारा आटा गूंथ रहा है धीरे धीरे, आटे को मिला के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटे को अच्छे से मल के गूंथ लेंगे। अब हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब आटे को हम 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के रख देंगे। पनीर पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर को बारीक बारीक तोड़ लेते हैं। हाथ से बारीक बारीक तोड़ लेंगे। पनीर को अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्चा पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पत्ती ऐड करेंगे, सारे मसालों को स्टफिंग में अच्छे से मिला लेंगे। मसाला मिलने तक इसको मिक्स करेंगे। अब हमारा खोल कर देखते हैं, हमारा आटा तैयार है। पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। 1 बड़ी मीडियम साइज की लोई काट लेंगे। 1 सूखा आटा लगा लेंगे।
अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। आटे जितनी बड़ी हमने डोई ली है उतनी ही स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर। धीरे धीरे आटे को स्टफिंग में फोल्ड करेंगे। एक गोल सा पेड़ा बना देंगे। अब इसको हम सूखा आटा लगाएंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। सूखा आटा लगा के फिर इसको हम मतलब हल्के हल्के हाथों से पराठे को बेल लेंगे। अब हमारा पराठा बेल कर तैयार हो गया। अब हम तावे में हल्का सा एक स्पून तेल लगाएंगे। तले डाल देंगे। मीडियम आंच पे पराठे को तलेंगे। दूसरी तरफ पलट देंगे। पराठे में हल्का ऑयल लगाएंगे। अब दूसरी तरफ पलट कर देखेंगे पराठा पक गया है। अभी हमारा पराठा कच्चा है, इसको धीमे धीमे आंच में हम गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन होने तक कर लेंगे। फिर हल्का सा तेल लगाएंगे ऊपर से, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसको लाल होने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ रख लेते हैं हमारा पराठा। धीरे धीरे बनकर तैयार। और इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमारा पराठा तैयार हो गया खाने के लिए। हमारा दूसरा पराठा बेल कर तैयार है, इसको तलने के लिए डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से दाल तल लेंगे। हम दूसरी तरफ डाल देते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। दूसरी तरफ पलट देंगे। फिर हल्का सा तेल लगाएंगे ऊपर से प्रेस करेंगे। पनीर पराठा बनकर बहुत जल्दी बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। ये बड़े और बच्चों सबको बहुत पसंद आता है पनीर पराठा। ये खाने में स्वादिष्ट
और टेस्टी और लाजवाब होता। हमारा पराठा गोल्डन सुनहरा बनकर तैयार हो गया है, जिसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। हमारे चैनल को लाल गरम पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें एक नैपकिन रखते हैं, पराठे को सर्व करते हैं। हमारा पराठा देखने में जितना अच्छा है, खाने भी उतना ही स्वादिष्ट है। इसको बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। इसको अचार या सॉस के साथ खा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।